20 डेली वर्ड्स विद सेंटेंसेस। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 20 न्यू वर्ड्स की अलॉन्ग विद द सेंटेंसेस जो हम कवर करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। सबसे पहले आता है वरी। वरी मीन्स चिंता, कोई चिंता सता रही है, कहते हैं चिंता की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड टू वरी, राइट। कंसल्ट, किसी के साथ सलाह लेना। इंस्ट्रक्ट, किसी को निर्देश देना कि भैया आपको ये काम करना है। पैशन, जिज्ञासा होना, अंदर से आवाज़ आने की, नहीं भैया ये करना है। नेबर, हमारे पड़ोसी, अच्छे हो या बुरे हो, गुड नेबर और बैड नेबर, बट नेबर माने पड़ोसी। इमिटेट, नकल करना। प्रपोजल, प्रस्ताव देना किसी को। कंडक्ट, आचरण, विच मीन्स कि आपका जो स्वभाव है, आपका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है। रोटन, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं सड़े हुए के लिए, जैसे कोई फल सड़ा हुआ है, कोई सब्जी सड़ गई, रोटन। सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व। प्रीजजिस मीन्स भेदभाव करना, जैसे अमीर गरीब के साथ करता है और गरीब किसी और के साथ करता है। सेंसिबल, जो कि बहुत नाजुक हो। डफर, नालायक। एक्यूरेट, बिल्कुल नपा हुआ, नपा तुला कहते हैं ना, बिल्कुल एक्यूरेट। सर्च, ढूंढना। ह्यूमिलिएट, अपमान करना। डिजी, चक्कर आना। फ्लैटर, चापलूसी करना। अल्टीमेटली, आखिरकार। सिंपथी, सहानुभूति। सो आज की वीडियो में ये 20 वर्ड्स कवर करेंगे अलॉन्ग विद द सेंटेंसेस। साथ में आपको एक जरूरी बात और कहना चाहूँगा कि कहने को ये 20 वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की हिंदी टू इंग्लिश तो और भी नए वर्ड्स ऐड होते हैं। तो अगर आपके पास कॉपी पेन अगर आप साथ लेके चलते हैं तो उसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपके जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं और ज़्यादा भी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड को लेके, जिसका नाम है वरी, और इसका जो सेंटेंस है वो कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि वरी का मतलब क्या होता है, चिंतित, चिंता करना, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, विच मीन्स आई एम, सो आई एम वरीड। अब किसके लिए चिंतित हूँ, तुम्हारे लिए, है ना, तो तुम्हारे बारे में। सो आई एम वरीड अबाउट यू, आई एम वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। तो जहाँ भी बारे में आएगा ना, तो बारे का मतलब यहाँ पे क्या है, अबाउट। जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। अब जानने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, जानने के लिए हुआ नो, ठीक है, और चाहता हूँ मीन्स वॉन्ट। सो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। बट यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम वरीड अबाउट यू। कंसल्ट, विच मीन्स सलाह देना, इस बारे में किसी की सलाह कर लो, इस बारे में किसी की सलाह कर लो या फिर किसी की सलाह ले लो, विच मीन्स कंसल्ट, कंसल्ट समवन, किसी से सलाह ले लो, किसी से कंसल्ट कर लो, कंसल्ट समवन। किसके बारे में, इस बारे में, इस बारे का मतलब यहां पे क्या है, ऑन दिस मैटर। अगर कोई चीज चल रही है इसके साथ आप दुविधा में चल रहे हो तो क्या बोलेंगे, इस बारे में, ऑन दिस। सो इस बारे में किसी से सलाह कर लो, विच मीन्स कंसल्ट समवन ऑन दिस मैटर, कंसल्ट समवन ऑन दिस मैटर। इंस्ट्रक्ट, विच मीन्स निर्देश देना, किसी को ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्ट करना। बॉस ने हमको ये काम आज ही खत्म करने के निर्देश दिए हैं, दिए हैं, विच मीन्स कंफर्म। अब जो बॉस है वो थर्ड पर्सन है, तो क्या आएगा, द बॉस हैज इंस्ट्रक्टेड, थर्ड फॉर्म, ठीक है, द बॉस हैज इंस्ट्रक्टेड अस। किसको बोला उसने, उसने हम सबको बोला है। हम सब में हो सकता है कि दो लोग हो, 20 लोग हों या फिर 50 लोग हों, तो उसने हम सभी को बोला है, तो सभी के लिए यहाँ पे क्या आया, अस। सो बॉस ने हमको ये आज ही खत्म करने के निर्देश दिए हैं, विच मीन्स द बॉस हैज इंस्ट्रक्टेड अस, किसके लिए, टू फिनिश दिस वर्क, कब, टुडे, टू फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, मतलब आज ही। सो क्या बना, द बॉस हैज इंस्ट्रक्टेड अस टू फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, तो यहां पे मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रक्ट का, निर्देश देना। पैशन, लगन होना, लगन के साथ काम करना, जैसे क्रिकेट प्लेयर खेलते हैं, लगन के साथ खेलते हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, लगन के साथ पढ़ते हैं, पैशन, दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट देयर ड्रीम्स, इसलिए वो लगन से काम करते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन होना जरूरी है, अपने सपनों को, विच मीन्स ड्रीम्स, तो सपने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ड्रीम। सो अपने सपनों को पूरा, पूरा करना मीन्स कंप्लीट, सो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन होना जरूरी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यू मस्ट हैव पैशन टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यू मस्ट हैव पैशन टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यू मस्ट हैव मीन्स कि जरूरी है,
यू मस्ट हैव पैशन, तुम्हारे अंदर पैशन होना जरूरी है। यू मस्ट हैव पैशन किसके लिए? टू फुलफिल योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, या फिर टू कंप्लीट योर ड्रीम्स। अब कंप्लीट यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हम किसी टास्क को लेके चल रहे हैं, हमने पूरा कर लिया, बट यहाँ पे क्या है, सपने पूरा करना है। तो इट मीन्स टू फुलफिल, वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, वो सपने पूरा होने के बाद उसको आप जी रहे हो, है ना, उसको जी रहे हो। तो फुलफिल, यू मस्ट हैव पैशन टू फुलफिल योर ड्रीम्स। तो पैशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लगन। नेबर, पड़ोसी, अमित मेरा पड़ोसी है, तो क्या बना, अमित इज माय नेबर, अमित इज माय नेबर, इट्स वेरी सिंपल। इमिटेट विच मीन्स नकल करना, जैसे बंदर किसी की नकल करता है ना, कॉपी करता है, इमिटेट। छोटे बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। अब देखिए छोटे का मतलब यहां पे क्या हुआ, यंग, है ना, यंगर, और बड़ों का मतलब क्या हुआ, एल्डर। छोटे बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। देखो मैंने बात कहा था ना आपको कि 20 वर्ड्स कहने को होते हैं, लेकिन 20 करते करते हमारे कई बार 30-35 भी हो जाते हैं। तो जब मैं वर्ड्स की बात करता हूँ, सेंटेंस की बात करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए कि मैं वोकैबुलरी कौन कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, उसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ताकि जब भी आप उसको करेंगे ना, तो हमेशा आपको वो रिकॉल होंगे, तुरंत आपके फटाफट माइंड में आएंगे, तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे अपने माइंड से। सो छोटे बच्चे विच मीन्स स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन इमिटेट देयर एल्डर्स। अब यहाँ पे चिल्ड्रंस नहीं आएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था क्या कि चाइल्ड माने एक, चिल्ड्रन माने अनेक, ठीक है। छोटे बच्चे स्मॉल चिल्ड्रन, अगर उतना छोटा बच्चा तो स्मॉल चाइल्ड आता है ना। छोटे बच्चे स्मॉल चिल्ड्रन अपने बड़ों की नकल करते हैं। सो अपने का मतलब यहाँ पे क्या है, देयर, है ना, देयर पेरेंट्स, देयर टीचर्स, देयर फ्रेंड्स। सो स्मॉल चिल्ड्रन इमिटेट देयर एल्डर्स का मतलब क्या हुआ कि छोटे बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। प्रपोजल विच मीन्स प्रस्ताव, क्या वह मेरे शादी का प्रस्ताव स्वीकार करेगी। आहा क्या बात है, मतलब मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड है तो क्या वो मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार करेगी, करेगी गा गा, है ना, फ्यूचर। सो विल शी एक्सेप्ट माई मैरिज प्रपोजल, या फिर विल शी एक्सेप्ट माई प्रपोजल ऑफ मैरिज, सेम सेंस है। आप क्या बोलेंगे, विल, क्योंकि करेगी गा गेगी है। जब भी क्वेश्चन मार्क होता है तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज एम आर हो गया, वॉज वर्ब हो गया, या विल शैल हो गया, वो पहले आता है, इसलिए यहाँ पे विल पहले आया। सो विल शी एक्सेप्ट माई मैरिज प्रपोजल, तो क्या वो मेरी शादी का प्रस्ताव एक्सेप्ट करेगी। तो प्रपोजल माने प्रस्ताव। कंडक्ट, आचरण, ऑफिस में तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है, विच मीन्स तुम्हारा बिहेव ठीक नहीं है, तुम्हारे हाल ढाल ठीक नहीं है। सो योर कंडक्ट इज नॉट गुड, कहाँ पे, ऑफिस में, सो इन द ऑफिस। तुम्हारा ऑफिस में आचरण अच्छा नहीं है, विच मीन्स योर कंडक्ट, योर का मतलब क्या है, तुम्हारा। सो योर कंडक्ट इज नॉट गुड, कहाँ पे, इन द ऑफिस। सो योर कंडक्ट इज नॉट गुड इन द ऑफिस। रोटन, सड़ा हुआ, ये सेब सड़ा हुआ है, ये सेब, विच मीन्स दिस एप्पल, सो दिस एप्पल इज रोटन, सिंपल, दिस एप्पल इज रोटन। अब यहाँ पे एप्पल लगाए, मैंगो लगाए, पाइनएप्पल लगाए, पपाया लगाए, कोई वेजिटेबल लगाए, इट्स अप टू यू। जब भी हम बात करते हैं सब्जी की, फ्रूट की, जो कि सड़ा हुआ होता है, तो क्या बोलेंगे, रोटन। तो ये सब सड़ा हुआ है, दिस एप्पल इज रोटन। सिग्निफिकेंस, महत्व, क्या तुम्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता। अब नहीं पता, विच मीन्स नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो, ठीक है, क्या तुम्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता, स्टडी। सो डोंट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज, डोंट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज। सो क्या तुम्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता, डोंट यू नो द सिग्निफिकेंस किसका, ऑफ स्टडीज, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस यानी महत्व। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या कि मुझे बताइए कि पढ़ाई का क्या महत्व है आपकी लाइफ के अंदर। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में पढ़ाई का क्या महत्व है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, तो उसका आंसर क्या होगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज इन योर लाइफ। सो इस तरह से हम लोग क्या है, सेंटेंस के ऊपर जब बात करेंगे, खेलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा लेवल है वो इंप्रूव होगा, इनहांस होगा। तो साथ साथ में अगर आप बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। कोई डाउट अगर रहता है ना, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। प्रीजजेस विच मीन्स भेदभाव करना, देखा होगा आपने कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जो बड़े वाली कम्युनिटी होती है वो छोटे से हमेशा ऊपर पैर रख के काम करती है ना, उसके साथ भेदभाव करती है। बट हम लोग क्या है, जो सिंपल सिंपल सोबर इंसान है, जो कि मिडिल क्लास के हैं, सोचते हैं नहीं, पहले आनी चाहिए इंसानियत, तो हम लोग कभी भी भेदभाव नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइवेट नौकरी में भी बहुत भेदभाव होता है,
प्राइवेट नौकरी में भी बहुत भेदभाव होता है, विच मीन्स प्राइवेट जॉब्स, है ना। देर इज अ ग्रेट प्रीजजिस, विच मीन्स बहुत, है ना। देर इज अ ग्रेट या देर इज टू मच, देर इज टू मच प्रीजजिस कहाँ पे, इन प्राइवेट जॉब एज वेल। अब एज वेल क्यों आया, मे भी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एज वेल मतलब ये बात कर रहा है कि गवर्नमेंट में तो होता ही है, प्राइवेट में भी होता है ना। सो देर इज अ ग्रेट प्रीजजिस इन गवर्नमेंट एज वेल प्राइवेट ऑल्सो, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। सो प्राइवेट जॉब में यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, सिंपल बात यहाँ पे क्या हुई है कि प्राइवेट नौकरी में भी भेदभाव होता है, विच मीन्स देर इज अ ग्रेट प्रीजजिस कहाँ पे, इन प्राइवेट जॉब एज वेल। तो विच मीन्स एज वेल जो आया या कहाँ पे आया, एज कंपेरिजन टू आया सम अदर ऑब्जेक्ट। सेंसिबल, सभ्य, हमें समाज में सभ्य लोगों की जरूरत है, मीन्स मीन्स रिक्वायरमेंट है, नीड है, किसे है, हमें, है ना। सो वी, हमें के लिए क्या, वी नीड, नीड माने जरूरत। सो वी नीड सेंसिबल पीपल इन आर सोसाइटी, समाज का मतलब यहां पे क्या हुआ, सोसाइटी। सो वी नीड सेंसिबल का मतलब यहां पे सभ्य है, और समाज का मतलब यहां पे क्या हुआ, सोसाइटी, और जरूरत का मतलब यहां पे क्या हुआ, नीड। तो देखा आपने, एक सेंटेंस के अंदर मैंने वर्ड बताया सेंसिबल, बट यहां पे दो वर्ड और निकल के आए, कौन कौन से, एक आया जरूरत और एक आया समाज। इसलिए मैं कहता हूं बार बार आपको कि अगर आप इस चैनल पर एक बार आ गए हैं ना, तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा, और हाँ बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए ना उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके, है ना। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ में कमेंट भी जरूर करें, जस्ट फॉर द मोटिवेशन। सो हमें समाज में सभ्य लोगों की जरूरत है, विच मीन्स वी नीड सेंसिबल पीपल इन आर सोसाइटी, वी नीड सेंसिबल पीपल इन आर सोसाइटी। डफर विच मीन्स कम दिमाग वाला, जो कि नालायक होता है, वह कम दिमाग वाला है, ही इज डफर, सिंपल, ही इज डफर, शी इज डफर ऑल्सो। एक्यूरेट विच मीन्स एकदम सही, नपा तुला हुआ, एक्यूरेट, तुम्हारा अंदाजा एकदम सही था, तुम्हारा विच मीन्स यूअर, है ना, यूअर। अब अंदाजा का मतलब यहां पे क्या है, गेस, सो यूअर गेस वॉज एक्यूरेट। अब देखा आपने, इस सेंटेंस में फेक नया वर्ड आया और वो क्या आया, अंदाजा। एक्यूरेट की बात कर रहे हैं बट साथ में कुछ दो तीन वर्ड्स और निकल के आते हैं, इसलिए बोलता हूं यूर गेस वॉज एक्यूरेट। अब वॉज क्यों आया, क्योंकि था, प्रेजेंट था ना, सॉरी पास था ना, तो तुम्हारा अंदाजा एकदम सही था, विच मीन्स यूर गेस वॉज एक्यूरेट। सर्च, ढूंढना, तुम किसको ढूंढ रहे हो, है ना, हु, तुम किसको ढूंढ रहे हो, हु आर यू सर्चिंग फॉर, हु आर यू सर्चिंग फॉर, तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो, हु आर यू सर्चिंग फॉर। ह्यूमिलिएट विच मीन्स अपमान करना, उसने सबके सामने, अब सबके सामने विच मीन्स इन फ्रंट ऑफ, देखा नया वर्ड आया ना, उसने सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ, उसने सबके सामने मेरा अपमान किया, उसने विच मीन्स ही, He humiliated। अब यहाँ पे ed क्यों आया, अब देखेंगे आप कि जो वर्ड था वो तो था humiliate, अपमान करना, बट ये अपमान करता नहीं है, अगर अपमान करता होता तो वहाँ पे आता कि I humiliate you in front of others, कि मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ, बट उसने किया, है ना, मतलब पास्ट हो गया, उसने किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपकी आएगी सेकेंड फॉर्म विच मीन्स humiliated, तो उसने सबके सामने मेरा अपमान किया, विच मीन्स ही humiliated me, उसने मेरा अपमान किया ना, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, सो क्या बना, ही ह्यूमिलेटेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। डिजी, चक्कर आना, मुझे चक्कर आ रहे हैं, है ना, आई एम फीलिंग डिजी। अब चक्कर आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं, कहीं दिल्ली से, कलकत्ता से, चंडीगढ़ से तो ना आ रहे हैं, चक्कर तो वैसे ही आ रहे हैं, विच मीन्स आप फील कर रहे हैं कि चक्कर आ रहे हैं, सो आई एम फीलिंग डिजी। फ्लैटर, चापलूसी करना, मैं तो कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करता, आई होप कि आप ही नहीं करते हो, और अगर आप करते हो तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि चापलूसी करना एक अच्छी बात नहीं है, इट इज अ बैड प्रैक्टिस। वह सिर्फ चापलूसी करना जानता है, जानता है विच मीन्स नो, अब वह है ना, तो विच मीन्स यहां पे आएगा नोज, क्योंकि ही हो या शी हो या इट हो, नो के साथ एस ई एस का प्रयोग होगा, सो जानता है विच मीन्स मेल, सो ही नोज हाउ टू फ्लैटर, और वह सिर्फ जानता है चापलूसी करना, तो सिर्फ के लिए क्या पाया, ओनली, सो ही ओनली नोज हाउ टू फ्लैटर, ही ओनली नोज हाउ टू फ्लैटर। अल्टीमेटली विच मीन्स आखिरकार, आखिरकार सच सबके सामने आ ही जाएगा, फिर अगेन जाएगा, गागेगी, आखिरकार, अल्टीमेटली
द ट्रुथ, है ना, द ट्रुथ विल कम सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, अल्टीमेटली द ट्रुथ विल कम इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. तो यहां पे सामने आ जाएगा, विच मीन्स इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, और आना मीन्स कम, ठीक है. सो अल्टीमेटली द ट्रुथ विल कम इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. सिंपथी, सहानुभूति, किसी के साथ सहानुभूति होना. मुझे तुम्हारी झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं है. तो मुझे तुम्हारी झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, विच मीन्स आई डोंट, मुझे नहीं है, आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है किसकी, यूर फेक सिंपथी की, है ना. सो आई डोंट नीड यूर फेक सिंपथी, मुझे तुम्हारी झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं है. इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, आई डोंट नीड यूर फेक सिंपथी. सो दीज वर द 20 वर्ड्स जो मैं आपके लिए आज लेके आया अलॉन्ग विद द सेंटेंसेस, जिसके अंदर हमने क्या सीखा कि इंग्लिश का जो वर्ड हम 20 कर रहे हैं, वो 20 करते करते 30-35 डेली के हो जाते हैं. तो क्योंकि सेंटेंस हम कर रहे हैं एक वर्ड के ऊपर, बट उसको जोड़ने के लिए हमें और वर्ड भी चाहिए होते हैं. साथ में हम बात कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, और साथ साथ में टच करते हैं ग्रामर का पोर्शन कि अगर वो गा गेगी आ रहा है, या इंटरोगेटिव फॉर्म में आ रहा है, या डो डज आ रहा है, या फिर हैज हैव आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो मैं साथ में आपको गाइड करते ही जा रहा हूँ, है ना. सो ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए, कंटेंट के लिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. और हाँ, मेक श्योर के साथ में बेल आइकन पर जरूर हिट कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.